काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 430 शैयायुक्त नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास भारत के यशस्वी एवं दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2016 को किया गया। इस हॉस्पिटल का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की PMSSY योजना के अंतर्गत कराया गया। इसके निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसपास के 7 राज्यों तथा नेपाल की जरूरतमंद करीब 20 करोड़ आबादी को उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि थी, उन्होंने भी इसको महसूस किया कि इस क्षेत्र की ये जरूरत है और इस पे काम होना चाहिए। ये अस्पताल उच्च स्तर की 11 विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिकल एंडोक्राइनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी और एनेस्थेसियोलॉजी। अब तक इस क्षेत्र के मरीजों को बड़े शहरों में जाकर इलाज के लिए भटकना पड़ता था, परंतु इस अस्पताल के निर्माण से इस क्षेत्र के करोड़ों लोगों को उच्च स्तर की सेवाएं बिना कहीं दूर गए एवं शीघ्रातिशीघ्र ही प्राप्त होंगी। CPWD कंस्ट्रक्शन के फील्ड में विश्व स्तर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत देश के विकास में इसका एक अग्रणी स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का नारा दिया है उसको पूरा करने के लिए और नए इंडिया के निर्माण के लिए जो भी आदेश दिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से इसमें रत है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने वाराणसी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया है। इस अस्पताल का निर्माण सारी सुविधाओं सहित लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल के निर्माण तथा बेड सहित उच्च स्तर की सुविधा न्यूनतम लागत पर प्राप्त होने से वर्तमान में चल रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS के विस्तार के साथ साथ सरकार के BHU को एम्स के समकक्ष बनाने में काफी सहयोग प्राप्त होगा। नवनिर्मित 7 मंजिला एवं पूरी तरह वातानुकूलित अस्पताल का कुल क्षेत्रफल करीब 37,000 वर्ग मीटर है, जिसमें 430 बेड के अलावा 13 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 52 ICU बेड, 17 CCU बेड, OPD इत्यादि जैसी सुविधाएं मरीजों को प्राप्त होंगी। इस अस्पताल के निर्माण से रिसर्च एवं नए शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय में लगभग 8,000 से 10,000 मरीज रोज आते हैं। ये नए बेड्स, नई सुविधाएं और नए OPDs के शुरू होने पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा लोगों को आउटडोर की और इंडोर की सुविधाएं दे सकेंगे, साथ ही साथ उच्च स्तर की इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ भी हम लोग दे पाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से ये उन मरीजों को भी अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराएगा जिन विभागों का स्थानांतरण इस सुपर स्पेशलिटी संस्थान में हो जाएगा, और उसमें खाली हुए बेड्स पे दूसरे नए संस्थान और विभाग शुरू हो सकेंगे, जिससे मरीजों को अत्यधिक लाभ होगा। इस अस्पताल का निर्माण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर होने के कारण समीप में चल रहे अन्य अस्पतालों जैसे टाटा कैंसर अस्पताल के साथ भी समन्वय स्थापित होगा और बेसहारा एवं बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इन सभी विभागों में DM और MCH की पढ़ाई करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस समय हमारे देश में इस प्रकार के विशेषज्ञों की काफ़ी कमी है। इस हॉस्पिटल के बनने के बाद अब हम पहले से अधिक संख्या में इस तरह के डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिसके कारण वाराणसी क्षेत्र को एक मेडिकल हब के रूप में विकसित करने का पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी एवं वर्तमान सरकार का सपना भी साकार होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये हॉस्पिटल देश की चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हमें गर्व है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है।
पूर्वांचल के मेडिकल क्षेत्र में मील के पत्थर के रूप में विकसित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा